आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का विषय हिंदी व्याकरण पाठ 11। पाठ का नाम वर्तनी शोधन। तो आज हम वर्तनी शोधन के बारे में पढ़ेंगे कि वर्तनी शोधन क्या होता है। तो वर्तनी शोधन शब्दों की को ही वर्तनी कहा जाता है। सबसे पहले जानेंगे कि वर्तनी क्या होता है। तो शब्द को ही वर्तनी कहा जाता है और शोधन मतलब सुधारना। तो आज हम वर्तनी शोधन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शब्द लिखते समय यदि सही वर्णों एवं मात्राओं का सही स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाता है तो शब्द गलत हो जाता है। शब्द लिखते समय अगर वर्णों एवं मात्राओं का सही स्थान पर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका वो शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जिन्हें वर्तनी की गलतियां या अशुद्धियां कहते हैं। अगर आपका मात्रा गलत है तो आपका शब्द गलत है, तो उसे ही हम वर्तनी की अशुद्धियां या गलतियां कहते हैं। शब्द को ही वर्तनी कहा जाता है। अगर आपका शब्द सही है तो आप उसे बोलेंगे कि वर्तनी आपकी सही है, इसे आप शब्द को या वर्तनी कहेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और सही वर्तनी पहचानो। यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं गुलाब का और यहाँ पे आप खिलौना का। तो यहाँ पे आपका शब्द है गुलाब, तो इसमें छोटी ई की मात्रा है ल पर आ, सॉरी छोटा ऊ की, ग पे छोटा ऊ की मात्रा, ल पर आ की मात्रा अब गुलाब। फिर आपका यहाँ पे ग पर बड़ा ऊ है, ल पर आ की मात्रा ब गुलाब। तो ये आपका गलत है, ये आपकी वर्तनी सही है, क्योंकि गुलाब में ग पर छोटा ऊ की मात्रा, ल पर आ की मात्रा अब गुलाब, ये आपका सही है। फिर आपका यहाँ पे खिलौना का दिया है, तो ये आपका वर्तनी एक गलत है। खिलौना खिलौना खिलौना, ये आपकी वर्तनी देखिए सही है। ख पर बड़ी की छोटी की मात्रा, ल पर अ की मात्रा, न पर आ की मात्रा, ये आपकी वर्तनी सही है। तो इस पर आप क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। खिलौना शब्द नहीं होता है, खिलौना शब्द होता है। तो उपयुक्त चित्रों के लिए सही वर्तनी गुलाब और खिलौना है। गुलाब तथा खिलौना शब्दों में सही वर्णों के साथ सही वर्तनी का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे सही वर्णों के साथ क्या, मात्राओं का प्रयोग किया गया, सही मात्राओं का प्रयोग किया गया है। सही वर्तनी लिखने के लिए शब्दों का सही उच्चारण, अगर मानिए आपको सही वर्तनी लिखना है तो सबसे पहले शब्द का आप उच्चारण सही करेंगे और उनके साथ सही रूप जानना जरूरी होता है। सही उच्चारण के बाद उसका सही रूप भी जानना जरूरी होता है। उच्चारण से सही वर्तनी का पता चलता है। जैसे माने यहाँ पे आप अगर बोलेंगे गिलाब गिलाब तो आपका उच्चारण गलत रहेगा, तो आपकी वर्तनी गलत हो जाएगी। अगर आप उच्चारण गुलाब सही बोलेंगे तो आपकी वर्तनी सही जाएगी। तो नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं जिनको लिखते समय अक्सर गलतियां हो जाती हैं, इनके शुद्ध रूप याद करो। तो आपके बुक में दिया गया अशुद्ध और शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द, तो आप इस शब्द को याद करेंगे क्योंकि अक्सर मतलब ज़्यादा ही ये शब्द लिखते समय गलत हो जाता है। जैसे बीमारी, तो बीमारी में छोटी ई की मात्रा, म पर आ की मात्रा, र पर बड़ी की मात्रा, ये आपकी शब्द गलत है। बीमारी में हमेशा ब पर बड़ी की मात्रा, म पर आ की मात्रा और र पर भी बड़ी ई की मात्रा होता है, तो बीमारी शब्द आपका सही वर्तनी कहलाएगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद लिखते समय अक्सर ये गलतियां होती हैं। आशीर्वाद लिखा है तो आशीर्वाद होता है आ की मात्रा, स बड़ी की मात्रा, व आ की मात्रा, ऊपर से आप र बनाएंगे, द आशीर्वाद, ये आपका शब्द सही है, ये आपका आशीर्वाद हो जाएगा। आसमान, तो आसमान में स में क्या, ये आपका रहेगा स, आसमान। कबूतर, फिर यहाँ पे देखिए छोटा ऊ है, कबूतर में बड़ा ऊ की मात्रा रहना चाहिए। बहुत रुपया, यहाँ आपका रुपया सही है या आपका रुपया गलत है। श्रीमती, लिखते समय अक्सर ही गलतियाँ होती हैं, तो आप अपने इस बुक को पढ़ेंगे अच्छे से, इसे आप समझेंगे। फिर आपका यहाँ त्योहार, त्योहार नहीं होता, त्योहार होता है अपर, य पर ओ की मात्रा, अ की मात्रा नहीं। पुरस्कार नहीं होता है, पुरस्कार होता है। चिड़िया, चिड़िया पे यहाँ पे आप देखिए चपर बड़ी की मात्रा है, चपर छोटी की मात्रा रहता है चिड़िया। पतंग, पतंग पे प पर अंग की मात्रा नहीं, यहाँ पे त पे रहता है, तो पतंग आपका यहाँ पे वर्तनी सही है। स्वास्थ्य, अतिथि, पृथ्वी, ये आपका गलत है। मिठाई, तो मिठाई में भी देखिए आपकी छोटी की मात्रा, पृथ्वी थ यहाँ पे प पर कैसे रह लगेगा, अतिथि। लिखते समय अक्सर ये गलतियाँ होती हैं, तो आप अपने इस बुक को अच्छे से वर्तनी शोधन अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि वर्तनी क्या होता है। तो सबसे पहले वर्तनी के बारे में जानेंगे, फिर वर्तनी शोधन क्या होता है।
तो सही वर्तनी लिखने के लिए शब्दों का सही उच्चारण और उसके सही रूप को जानना जरूरी होता है। उच्चारण से ही सही वर्तनी का पता चलता है। तो आप अपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे वर्तनी शोधन के बारे में। आज आपका क्लास यहीं ओवर हो रहा है। थैंक यू।